आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी बाजार जनरल स्टोर के दुकान के मालिक के परिवार के 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने घर और दुकान को सील कर दिया है। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसारना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि यह मामला साक्षी बाजार घुसते ही एक जनरल स्टोर के दुकान मालिक के हैं, जिनमें उनका दुकान और घर दोनों है। आपको बता दें कि वह एक ही घर से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन की पूरी टीम ने इस मामले की संज्ञान लेते हुए पूरे बिल्डिंग को शील्ड कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सुमन कुमार मंडल ने बताया कि इनके घर के एक सदस्य को कोरोना हुआ था और उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को भी कोरोना जांच कराई गई। घर में कुल 19 लोग हैं, जिनमें से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 10 लोग का जो है रिपोर्ट पॉजिटिव था, तो आज हम लोगों ने घर को भी सील किया है और इनके सभी लोगों को जो है वापस इनको MGM आइसोलेशन केंद्र भेज दिया है। किसी की डेथ भी है सर इस परिवार? हाँ, इस परिवार में कोविड डेथ था, तो वो डेथ हो गया है, उनका रिमिशन भी हो चुका है जो नियम संबद्ध है उसके द्वारा। मेरा लगता है फिर से कोरोना कहीं फिर से तो अभी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत तो अभी नहीं है। 10 आदमी को निकलना क्या लगता है? इन्होंने सावधानी नहीं बरता होगा, प्लस इनका दुकान है यहाँ पर, तो आना जाना बहुत लोगों का बना हुआ रहता है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। बार बार जिला प्रशासन कह रहा है कि आपको सावधानी बरतना है। बेसिक जो चीज़ें हैं, आपके दुकान में आने वाले जो लोग हैं उनको भी उपलब्ध कराइए सैनिटाइज़र, खुद भी सैनिटाइज होइए, प्लस मास्क का उपयोग कीजिए। ये बार बार बताया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग के द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। हम लोग को अभी ढिलाई नहीं बरतना है, इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना होगा। मैं सुमन कुमार मंडल, पब्लिक हेल्थ मैनेजर। थैंक यू। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।